हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजराना किचन। आज मैं आप सभी के साथ वर्मिसेली की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और ये देखिए, देखने में ही कितनी बढ़िया और मजेदार लग रही है। आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टेस्टी और मजेदार वर्मिसेली की खीर बनाना। वर्मिसेली की खीर बनाने के लिए हमें यहाँ पे जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब हमने यहाँ पे ले ली है। ये यहाँ पे हमने 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। इसमें हमने काजू, बादाम, पिस्ता, मगज और चिरौंजी ली है और ये 100 ग्राम खोया, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और ये 150 ग्राम चीनी, 100 ग्राम वर्मिसेली और ये हमने 1 बड़ा चम्मच घी लिया है और ये यहाँ पे 1 लीटर दूध, ये फुल क्रीम वाला दूध है। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे। अब इसमें 1/2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसको निकाल के एक बर्तन में डाल देंगे। अब हमने फिर से उसी पैन में सारा बचा हुआ घी डाल लिया है। अब इसके अंदर हम ये वर्मिसेली डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए, वर्मिसेली हमारी भून गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमने यहाँ पे एक पतीले में दूध ले लिया है और इसमें हमने लगभग 200 ग्राम पानी डाला है। अब हम इसके अंदर ये 4 हरी इलायची डाल देंगे। अब इसके अंदर हम एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, दूध को हमने उबाल लिया है। अब हम आंच को मीडियम पे कर देंगे। दूध को हम बस एक बार उबालेंगे, इसे पकाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर ये भुनी हुई वर्मिसेली डाल देंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक कम आंच पे पकाएंगे। वर्मिसेली को हम लगातार चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से चिपक जाएगी। ये देखिए, वर्मिसेली को पकाते हुए हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। पकने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अगर हम इसे दबाएंगे तो ये इस तरीके से टूटने लगेगी। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। और ये भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये कद्दूकस किया हुआ खोया भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम आंच को तेज कर देंगे और तेज आंच पे इसे हम 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, वर्मिसेली हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो हम इसे फ्रिज में डाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, वर्मिसेली की खीर को हमने फ्रिज में डाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल देंगे। तो ये देखिए, बनके तैयार है हमारी टेस्टी और मजेदार वर्मिसेली की खीर। वर्मिसेली की खीर की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजराना किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।